गार्डन के दर्शकों को प्यारा वाला हेलो, मैं हूँ रिमी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फूल चुन कर लाई हूँ जो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। कुछ आपने पहले भी लगाया होगा तो कुछ शायद आपको चौंका दे। बातें बाद में, पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही छोटी वाली लाल घंटी भी दबा लें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। हमारी लिस्ट में पहला नाम है बिगोनिया का, जिनका वैज्ञानिक नाम बिगोनिया क्रिनाटा है, मगर अन्य भारतीय भाषाओं में इन्हें बेरकी, मोतिया या काप्रू नाम से भी जाना जाता है। 25 सेंटीमीटर तक के इनके पौधे देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, जिनमें अच्छे फूल आते हैं। ये सर्द इलाकों या मौसम में खिलने वाले फूल हैं। नवंबर दिसंबर में आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में अगर लगाएंगे तो घर आंगन की खूबसूरती निखर जाएगी। इनके फूल मार्च तक खिल सकते हैं। ये फूल कई रंगों में खिलते हैं, जैसे गुलाबी, लाल, सफ़ेद आदि। थोड़ी सी खिली धूप और रोजाना हल्का पानी इनकी ज़रूरत है। खाद वाली मिट्टी में इन्हें लगाइएगा तो 3-4 महीने तक ढेर सारे फूल इनमें आएंगे। ब्लैक आई सुसैन वाइन, जी हाँ, ये फूल ब्लैक आई सुसैन से थोड़े अलग हैं और ये बुशी बिल्कुल नहीं होते। ये हैंगिंग पॉट में शानदार दिखते हैं क्योंकि इनकी वाइन ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इनका वैज्ञानिक नाम थुम्बर्जिया अलाटा है। ये फूल आमतौर से पीले या नारंगी रंग के ही होते हैं, जिनके बीच में डार्क स्पॉट जैसी काली आँख दिखती है। आजकल इनकी काफ़ी सारी हाइब्रिड किस्में आती हैं और दूसरे रंग भी मिलने लगे हैं। बिगोनिया की बनिस्पत ये थोड़ा ज़्यादा तापमान झेल सकते हैं, यानी सिर्फ उत्तर भारत नहीं मध्य भारत भी इन फूलों से सजेंगे। थोड़ा पानी और खुली धूप इन्हें चाहिए। हर 2 हफ्ते में इनकी हल्की छटाई करते रहें तो ढेरों फूल लगातार खिलते ही रहेंगे। फूशिया, फूशिया ऑर्गेनेसी फैमिली से हैं और वैसे तो आप इन्हें चाहे जहाँ लगाएं लेकिन हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छे दिखते हैं। इनकी संरचना ही कुछ ऐसी है, शानदार ईयर ड्रॉप्स जैसी। बहुत सारे खूबसूरत रंगों के फूल इनमें आते हैं और सारे ही फूल बाई कलर होते हैं, यानी दोहरे रंगों में आते हैं। 100 से ज़्यादा इनकी किस्में हैं और अब पूरे भारत में ये मिलने लगे हैं। खिलते सिर्फ सर्दियों में हैं। आप इन्हें 2 हफ्ते में खाद डालें और हल्की धूप इन्हें रोजाना मिले तो फूल इनमें खूब खिलेंगे। तीखी धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। सामान्यतया 8 से 20 डिग्री तक का तापमान इनके लिए सबसे अच्छा होता है। लांटाना या पोटूस, चौंक गए? आपने इनकी 1-2 मीटर ऊंची झाड़ियाँ जरूर देखी होंगी, पर बागवानी के शौकीन इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। रंगों की तो इतनी विविधता है कि पूछिए ही मत। शानदार लाल, नारंगी, सफ़ेद, नीला, बैंगनी और सबसे अच्छी बात कि एक ही गुच्छे में कई सारे रंग के फूल आपको मिल जाते हैं। ये बीज और कटिंग दोनों से ही लगते हैं। इनके पके हुए काले फल खाए भी जाते हैं। बचपन में शायद आपने भी इन्हें चखा होगा। पोटूस मूल रूप से गर्मियों में खिलते हैं, पर भारत में ये सालों भर खिलते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि बर्फ पड़ने तक ये खिलेंगे। बर्फबारी आपके यहाँ नहीं होती तो ये पूरे साल खिल सकते हैं। कोई खाद इन्हें नहीं चाहिए, खूब सारी खिली धूप और थोड़ा थोड़ा पानी। पौधे को सही आकार देने के लिए आप इन्हें रेगुलर प्रून करते रहें, यानी कि छटाई करते रहें। ये हमेशा खिलते रहेंगे। पिटूनिया या संध्या मालती, इनके हैंगिंग बास्केट तो सबने देखे होंगे। ये लगभग पूरी दुनिया में ग्राउंड कवर और हैंगिंग बास्केट के बेस्ट फ्लावर्स के रूप में जाने जाते हैं। ये बेस्ट पॉटेड फ्लावर में भी गिने जाते हैं। बड़े आकार के फूल, बेहिसाब रंग और बेमिसाल खूबसूरती इनकी पहचान है। पौधा 10 से 15 इंच तक का ही होता है। नाजुक से पौधे फूलों से ढके होते हैं। ये बेसिकली जाड़े में लगने वाले फूल हैं। आप इन्हें दिसंबर जनवरी तक भी अगर लगा लेते हैं तो आपको अप्रैल या शायद मई तक भी इनके फूल खिलते दिखेंगे। ये आपके यहाँ के तापमान पर निर्भर करता है। जेरेनियम या रतनजोत गुच्छे में खिलने वाले फूल होते हैं। इनकी 450 से ज़्यादा वैरायटी होती है। ये फूल क्रैनबिल्स भी कहलाते हैं। छोटे फूलों के साथ पौधे का आकार भी छोटा होता है और बड़ी आसानी से ये हैंगिंग बास्केट में लग जाते हैं। ये भी बेसिकली जाड़ों के फूल हैं और इन्हें खूब सारी धूप भी चाहिए होती है। जेरेनियम कटिंग से लगाए जाते हैं। आप नर्सरी से इनके रेडी प्लांट ही लाकर लगाएं तो अच्छा रहेगा। ओवर वाटरिंग ये प्लांट के सबसे बड़े दुश्मन है। पत्तियाँ तुरंत पीली हो जाएंगी, रूट रॉट भी हो जाएगा।
इसीलिए इस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो फूलों से भरी टोकरी हमेशा खिलखिलाती नजर आएगी। पोर्शलेन पोर्टुलाका फैमिली के ही सक्यूलेंट हैं। ये पोर्टुलाका की तुलना में इनके पत्ते छोटे और थोड़े गोलाई आकार में होते हैं। फूल बड़े आकर्षक लेकिन सिंगल लेयर के ही होते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर आकार के पौधे 5 सेंटीमीटर के छोटे गमले में से भी लग जाते हैं। ग्राउंड कवर या हैंगिंग बास्केट के लिए भी शानदार होते हैं। सकुलेंट हैं तो आसानी से आप 2-4 दिन भी इन्हें पानी देना भूल सकते हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे। रंगों की भरमार होती है, हर रंग के फूल इनमें मिलेंगे आपको। वैसे ये बीज से भी लगते हैं और कटिंग से भी आसानी से लगाई जाती है। पैंसी या बन फूल, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो वाइल्ड यानी कि जंगली पैंसी और हाइब्रिड यानी कि नर्सरी वाली किस्म। नर्सरी वाली हाइब्रिड किस्म में बड़े आकार के फूल आते हैं, पर वाइल्ड पैंसी की सर्वाइवल बड़ी अच्छी होती है। ये जाड़े के मौसम के ही फूल हैं और आप इन्हें दिसंबर तक लगा लीजिए, मार्च अप्रैल तक इनको आप खिलता हुआ देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, सारे फूल बाइकलर होते हैं यानी दो रंगों के होते हैं। ये बीज और कटिंग दोनों से लगने वाले पौधे हैं, पर बेहतर होगा आप अच्छी उपजाऊ मिट्टी में नर्सरी से रेडी प्लांट लाकर लगाइए। पॉट को वेल ड्रेन रखिए और धूप वाली जगह में रखिए। वर्बीना, ये जाड़ों के फूल हैं और इनकी भी तकरीबन 250 किस्में होती हैं। फूल छोटे आकार के मगर गुच्छे में खिलने वाले होते हैं और बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। वर्बीना हैंगिंग पॉट में बहुत शानदार दिखते हैं। फूल आपको सफ़ेद, बैंगनी, पीला, गुलाबी, लाल, लगभग हर रंग में मिलेंगे। ये एडिबल भी होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्बीना के पत्तों से बड़ी टेस्टी और रिफ्रेशिंग चाय बनाई जाती है। आप एक बार ये पौधे ज़रूर लगाएं, ये बीजों से लगने वाले पौधे हैं। आप जनवरी के महीने में इनके नर्सरी से रेडी प्लांट भी लाकर लगा सकते हैं। अगर लगातार फूल चाहिए तो खिल चुके फूलों को आप लगातार तोड़कर हटाते रहें। ऐसी और भी शानदार वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। आप अपनी क्वेरीज जारी रखिए। जी हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।